बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बॉयज़। टुडे मंडे डे 27 मई 2024। टुडे आवर टॉपिक इज़ सेट्स एंड रिलेशन। आई एम हुसनैन कासिम, योर मैथ टीचर। सो टुडे आवर टॉपिक SLO इज़ स्टूडेंट यू विल बी एबल टू फाइंड कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ गिवन सेट्स। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, जब बेटा आप ग्राफ्स में इक्वेशंस को ड्रा करते थे तो आप पॉइंट्स को डोनेट करते थे, ठीक है। जिस तरह यहाँ पे ये आपके पास एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट क्यू डिनोट कर दिया है। अब इसमें फर्स्ट वैल्यू जो है ये आपकी एक्स को डिनोट करती थी और सेकेंड वैल्यू जो है वो आपकी वाई की होती थी, ठीक है। आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं इजीली और आप इस चीज़ को पहले ऑलरेडी लर्न कर चुके हैं। सो आवर क्वेश्चन नंबर वन, एक्सरसाइज 3.3। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट द इक्वालिटी ऑफ टू पे ऑर्डर पेयर्स। तो आपके पास ये डेफिनेशन लिखी हुई है, टू ऑर्डर पेयर्स ए बी एंड सी डी आर इक्वल इफ़ वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ सी एंड वैल्यू ऑफ बी दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ डी। वी कैन रिटर्न दिस नंबर एज ए बी ऑर्डर पेयर दैट इज इक्वल टू सी डी ऑर्डर पेयर। सो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको मज़ीद क्लैरिटी आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर वन, क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन। आपके पास पार्ट नंबर टू गिवन है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, सेम एस्ट इज़। अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी है तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि फर्स्ट नंबर के इक्वल होना चाहिए, सेकेंड वाला नंबर के इक्वल होना चाहिए। बिकॉज दिस इज़ वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज ऑफ वाई, दिस इज़ वैल्यू ऑफ एक्स एंड दिस इज़ वैल्यू ऑफ वाई। तो एक्स वाली वैल्यू एक्स के इक्वल होगी और वाई वाली टर्म वाई के इक्वल होगी। सो आई कैन राइट दिस एज 2a इज इक्वल टू -10 एंड 2b +3 दैट इज इक्वल टू -b। a इज इक्वल टू -10 / 2, बाय कटिंग ए की वैल्यू आपके पास आ गई है -5। सो ऑन द नेक्स्ट 2b +b इज इक्वल टू -3। मैं टर्म्स को अरेंज कर लिया है, बी इस साइड पे आके +3, उस साइड पे जाके -3b इज इक्वल टू -3। वी कैन राइट दिस नंबर एज बी इज इक्वल टू -3/3, कटिंग हो गई बी की वैल्यू -1। सो आवर सोल्यूशन सेट इज ए इज इक्वल टू -5 एंड बी इज इक्वल टू -1। बी इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे सेम एस्ट इज, फर्स्ट वाला नंबर फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड वाला नंबर सेकेंड वाली वैल्यू के इक्वल। सो आई कैन राइट दिस एज 2a इज इक्वल टू a -4 इज इक्वल टू 8, 6 इज इक्वल टू -b +1। दो इक्वेशन आ गई, देन 2a इज इक्वल टू 8 +4, 2a इज इक्वल टू 12 बाय डिवाइडिंग 2, a की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। ऑन द नेक्स्ट आ जाएगा 6 -1 इज इक्वल टू -b, 5 इज इक्वल टू -b एंड b इज इक्वल टू 5। सो हेयर आवर सोल्यूशन सेट इज a इज इक्वल टू 6 एंड b इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू -5। सो बॉयज इफ़ यू फील एनी कन्फ्यूजन यू कैन आस्क द क्वेश्चंस, यू हैव टू सॉल्व रेस्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। सो नेक्स्ट आवर टॉपिक इज, आवर हेडिंग इज कार्टीशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट, जो हमारा आज का SLO था। तो कार्टीशियन प्रोडक्ट आपके पास क्या है, इफ़ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी मीन कि उनमें कोई ना कोई एलिमेंट लाजमी होनी चाहिए, एम्प्टी मीन के कोई भी एलिमेंट सेट्स में मौजूद नहीं है। देन कार्टीशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी, ठीक है, हम उसको इस तरह लिखेंगे, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, दिस साइन शोज दैट x belong, this sign shows belong to a and y belong to b, this sign is used for and।
सो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स वाई ऑर्डर पेयर सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड वाई बिलोंग टू बी. सो क्वेश्चन नंबर टू इज आपके पास उसने क्वेश्चन की वैल्यूज दे दी हैं. कह रहा है ए की वैल्यू आपके पास है सेट 1 4 8 एंड बी की वैल्यूज है 1 एंड 0. वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट कार्टिसियन प्रोडक्ट ए एंड बी. सो हेयर आई कैन राइट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 1 4 8 क्रॉस 1 0. बेटा जिस तरह हम यहाँ पे फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे आपके पास जो फैक्टर्स होते थे, ठीक है, फर्स्ट वाले एलिमेंट को इसके साथ फिर इसी को इसके साथ मल्टीप्लाई करते थे तो ये आपके पास आता था ए स्क्वायर पॉजिटिव ए बी. देन सेकंड वाले नंबर को फर्स्ट के साथ एंड सेकंड के साथ हम मल्टीप्लाई करते थे था ए बी पॉजिटिव बी स्क्वायर. सेम एज इट इज़ हमने यहाँ पे क्या करना है, वन को इन दोनों पेयर्स के साथ ज्वाइन करके लिखना है. यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई नहीं करना, यहाँ पे हमने बेसिकली ऑर्डर पेयर बना के इनको ज्वाइन करके लिखना है. लाइक दैट 1 1 1 एंड 1, फिर 1 का ऑर्डर पेयर आ जाएगा 0 के साथ. देन 4 का ऑर्डर पेयर लूँगा, ठीक है, 4 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ आ जाएगा एंड 4 का ही ऑर्डर पेयर आपके पास आ जाएगा 0 के साथ. उसके बाद आपका जो 8 है उसका ऑर्डर पेयर आ जाएगा 1 के साथ. देन 8 का ऑर्डर पेयर आ जाएगा आपके पास 0 के साथ. तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपके पास फर्स्ट एलिमेंट था वो ए से बिलोंग करना चाहिए था. अब देखो ए आपके पास सेट ये है, अब ए 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 1 ए से बिलोंग कर रहा है, 4 ए से बिलोंग कर रहा है, 4 ए से बिलोंग कर रहा है, 8 ए से बिलोंग कर रहा है, 8 ए से बिलोंग कर रहा है. देन आपके पास 0 आ जाएगा, 0 बिलोंग कर रहा है, ठीक है. ये 0 की अगर बात करें, एक यहाँ पे मौजूद है सेकंड प्लेस पे, सेकंड प्लेस पे वो आपका बी सेट से बिलोंग कर रहा है. सेम एज इट इज़ वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट बी क्रॉस बी. सो हेयर आई कैन राइट बी क्रॉस बी दैट इज इक्वल टू 1 0 1 0. तो बेटा आपका इनका कार्टिसियन प्रोडक्ट आपके पास क्या आ जाएगा, 1 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ, 1 का ऑर्डर पेयर 0 के साथ. देन इसके बाद 0 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ एंड 0 का ऑर्डर पेयर 0 के साथ. तो ये आपके पास कार्टिसियन प्रोडक्ट आ गया. अब एक ये जो ऑर्डर पेयर होता है, ठीक है, ये वाला ए, इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर. इसको हम कहते हैं ऑर्डर्ड पेयर और इस वाली चीज़ को हम कहते हैं सेट. ओके बॉयज, एनी कन्फ्यूजन? नो. आवर क्वेश्चन नंबर 4 इज सच लाइक दैट, जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किया सेम एज इट इज़ है. क्वेश्चन नंबर 4 में उसने आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दिया है. कह रहा है आपने सेट एल को फाइंड करना है और आपने सेट एम को फाइंड करना है. सो बेटा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपके पास जो फर्स्ट एलिमेंट थे वो सारे बिलोंग करते हैं किसको, एल को. एंड जो सेकेंड नंबर्स हैं आपके पास वो सारे बिलोंग करते हैं किसको बेटा, वाई को. अब जो रिपीट होगा उसको एक बार लिखा जाएगा तो यहाँ से आपके पास एल सेट किसके इक्वल आ जाएगा. सिंपल जो फर्स्ट वाले एलिमेंट्स हैं वो लिखेंगे. अब 0 0 एंड 0 रिपीट हो रहा है तो एक बार हमने लिख लिया. देन 1 1 एंड 1 हमने उसको एक बार लिख लिया, ये आपका एल सेट आ गया. देन एम सेट की बात करते हैं, ठीक है, वो आपके पास क्या आ जाएंगे, वो नंबर जो आपके पास सेकेंड प्लेस में है तो वो क्या है, 2 एंड 2 रिपीट हुआ एक बार लिख लिया. देन 3 एंड 3 रिपीट हुआ एक बार यूज़ कर लिया. देन 4 एंड 4 रिपीट हुआ एक बार यूज़ कर लिया. तो ये हमने L और M सेट फाइंड कर लिए. तो इसका मतलब अगर आपके पास L और M सेट गिवन है तो आप कार्टिसियन प्रोडक्ट भी फाइंड कर सकते हो, और अगर आपके पास कार्टिसियन प्रोडक्ट गिवन है तो आप L और M सेट भी फाइंड कर सकते हो. सो ऑन द नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड कार्टिसियन प्रोडक्ट ऑफ एम एल. सो एम क्रॉस एल दैट इज इक्वल टू फर्स्ट सेट आपका एम का आ जाएगा 2 3 4 एंड देन सेकेंड सेट आपका किसका आ जाएगा, एल का 0 1. सो कार्टिसियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, 2 का ऑर्डर पेयर 0 के साथ, 2 का ऑर्डर पेयर 1 के साथ.
देन बेटा आपका थ्री का ऑर्डर पेयर ज़ीरो के साथ, थ्री का ऑर्डर पेयर वन के साथ, फोर का ऑर्डर पेयर ज़ीरो के साथ एंड फोर का ऑर्डर पेयर वन के साथ। सो ये आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट है एम क्रॉस एल का, एम क्रॉस एल का। अगर वो आपको क्वेश्चन पूछे कि आपके पास दो सेट हैं एम और एल, इनमें जो आपके एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, ठीक है, एलिमेंट्स एक कितने हैं, तो बेटा जो आपका एक ऑर्डर पेयर होता है ये एलिमेंट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का, किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट का। वो आपसे अगर पूछ लेता है एम क्रॉस एल, एम क्रॉस एल आपने फाइंड किया, ठीक है, इसके एलिमेंट्स कितने हैं, इसमें मौजूद जो एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, तो अब देखो एम में कितने एलिमेंट्स थे आपके, एम में नंबर कितने थे थ्री और एल में कितने थे टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा सिक्स, तो सिक्स एलिमेंट्स बनेंगे, लाइक दिस इज़ वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स। तो जितने एलिमेंट्स आपके एम और एल के सेट में होंगे उतने ही आपके एलिमेंट्स आएंगे एम और एल के कार्टेशियन प्रोडक्ट में। सो बेटा ये आज का हमारे क्वेश्चंस थे, आपने एक्सरसाइज 3.3 के जो क्वेश्चन नंबर वन के रिमेनिंग पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर टू के रिमेनिंग पार्ट हैं और जो क्वेश्चन नंबर थ्री है वो आपका होमवर्क है, ठीक है बेटा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, प्रिपरेशन कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।